हरिओम श्री राम अंबदनिया। मेरा नाम है प्रतिमा बीरा प्रकाशवाक। मैं रहती हूँ बैंडा वेस्ट पेरी क्रॉस रोड। मेरा उपासना केंद्र है साई निवास। मेरा जो अनुभव है, जो मैं कहने जा रही हूँ, वो 94 का है, मतलब बापू के प्रकटीकरण का पहले का। अब जो मैं कहने जा रही हूँ मेरा अनुभव, वो ऐसा है कि 7 जून 1994 में मेरे पति प्रकाश वाक को सडन से, उनको नींद में ही वो ऐसे जब सो गए, सुबह उठे तो उनको उठने को नहीं हो रहा था, उनको उल्टियाँ हो रही, ये सब कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहा था, और कुछ बात भी नहीं कर सकते थे, बदन हिला नहीं सकते थे, इतना उनके इफ़ेक्ट हो गया था। तो लेकिन हम लोग ने सोचने के बाद क्या हुआ कि पहले दिन 7 जून 1994 में उनका अटैक आया, और 6 तारीख को रात में हमारे घर में बहुत, पता नहीं कहाँ से आवाज़ें आ रही थी, कोई कुछ कह रहा था, कोई समझ में नहीं आता कौन है क्या है, कोई बुला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई आवाज़ें हो रहा है, तो ऐसे आपस में झगड़ा हो रहा है। मेरा बेटा भी डर गया, मैंने बोले कि मम्मी देखो कुछ तो है, क्या है? बोले बेटा मेरा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन मैंने प्रकाश को बताया तो बताया चलो चलो कुछ ध्यान मत दो, तो सो जाओ, मुझे भी सुबह उठ के जाना है, और हम लोग सब सो गए। तो सुबह जाना था उनको 6 बजे उठाना था, तो मैं उठकर चाय वाय बनाया, ब्रेकफास्ट बनाया और उनको उठाने गई, उठ ही नहीं रहे। तो मैंने बोला प्रकाश उनको देरी हो रही है, बोला नहीं, बात ही नहीं कर सकते थे कि ओ ओ ओ, ओ ऐसे कुछ बोल रहे थे और एक ही जगह में थे। तो फिर मैंने बोला क्या हुआ पता नहीं, फिर मैंने मेरे सासू माँ को उठाया, उनको पता है देखो उसकी हालत क्या हो रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो फिर मैंने डॉक्टर गालवनकर को, जो मेरे रिलेशन में, उनको फ़ोन किया। मैंने बोला दिलीप देखो ऐसी ऐसी बात है, तो बोलते बात कैसे कर रहा है, मतलब बात ही नहीं कर रहा है, कुछ हिल नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और उनको हरी हरी रंग की वॉमिटिंग होने लगी, इतनी कि से बाल्टी रख दिया सामने कि बाल्टी भरने लगी, इतने वॉमिट्स होती जा रही समझ में नहीं आया। फिर उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि इमीडिएट उनको गाड़ी में डाल के तुम नानावटी में MRI सेक्शन के यहाँ लेके आना। अभी उठाए कैसे समझ में नहीं आ रहा, 7th फ्लोर में हम रहते थे, उस दिन लिफ्ट बंद हो गई, इतना प्रॉब्लम आया। फिर मैंने जाके दौड़ के माली जो नीचे वॉचमैन थे उनको बुलाया, और कैसे वैसे उनको, तो भी वॉमिटिंग हो ही रही थी उनको, फिर एम्बुलेंस बुलाया, और उनको एम्बुलेंस आस्ते 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 उतार के, खुशी में बिठा के उनको एम्बुलेंस में उतार के हम हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में MRI सेक्शन में लिया उनको, वहाँ पे भी उल्टियाँ होने लगी थी, डॉक्टर को समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है। फिर MRI किया तो पहले को समझ में नहीं आ रहा था, बाद में जो वापस MRI तीसरी बार किया तो उस पर आया ब्रेन स्टेम इन्फार्क्शन, और फिर उनको उसी टाइम क्लीन वगैरह करके ICU में लेके आए, वो इमीडिएट बेहोश हो गए, कोमा में गए। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं क्या नहीं। मैंने अपने भैया को फ़ोन किया उल्ला CM हापन कर, तो मैंने बताया देख ऐसी सी बात है, तो बेचारा आ गया, तो भी क्या समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। डॉक्टर ने बोला 72 आवर्स, तो मैं तो सोच में पड़ गई क्या, तो उस दिन तो रोना धोना वो सब हो गया। फिर मैं बाद में घर पर गई, मम्मी ने पूछा क्या हुआ, प्रकाश कैसा है, तो मैंने बोला कि उसको इंजेक्शन दिया है वो सुला रहे। डॉक्टर ने बोला उसको डिस्टर्ब नहीं करने का, तो मैं आ रही हूँ, तो मतलब नहीं आप नहीं आई है, मैं आपको लेके जाऊँगी बाद में। फिर मैं वहाँ पे मैं बेहोश हो गई, मुझ पर ट्रीटमेंट चालू हो गई, क्योंकि सहन नहीं हो रहा था, क्या पता नहीं ऐसे हो गया। फिर हम दूसरे दिन मैं सुबह घर पर आई, सब मम्मी को पता नहीं उसको इंजेक्शन दे के सुला रखा है, और सब तैयारी वगैरह करके खाना वाना सब बना के, तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं साई निवास में जा के आती हूँ। मैं साई निवास में गई, और वहाँ पे मीना बहनी थी, तो
तो मुझे बोला क्या, मैं तो मुझे तो रोना ही आने लगा। तो बोली क्या हो गया? तो मैं बोले ऐसे ऐसे हो गया है। तो उसने बोला तुझे बस इस पर विश्वास रख, बाबा पर विश्वास रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसने मुझे विभूति दी, मुझे लगाई और बताइए जाके प्रकाश को लगा देना, मैं हॉस्पिटल जा रही है, तुम लगा देना। मैंने ठीक है, मैं वैसे ही निकल गई हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में गई तो लिफ्ट में, लिफ्ट खोला और लिफ्ट में गई, थर्ड फ्लोर जाना था। तो उतने में मेरा तो कुछ ध्यान ही नहीं था और पीछे से आवाज़ आई, साहब कैसे हैं? तो मैंने सोचा, मैंने देखा कि मुझे तो पता ही नहीं चला पहले कोई है या नहीं है। मैंने देखा पीछे तो एक ब्लैक पैंट वाइट शर्ट, बड़ी बड़ी मूछें और ऐसे लिफ्ट में खड़े थे। तो मैंने कहा क्या मानूँ, वो मुझे पहचानते हो गए, मैं नहीं उनको पहचानती हूँ। मैंने जवाब दिया उनको कि नहीं, उनकी हालत वैसे ही है करके। फिर मैं खड़ी हो गई तो पीछे से हाथ आया ऐसे आगे, तो मैं एकदम डर गई। मैं बोले क्या मालूम कौन है ये। फिर देखा तो हाथ में हनुमान चालीसा थी और उन्होंने मुझे हनुमान चालीसा दी, पता नहीं कौन फरिश्ता था तब। तो उन्होंने हनुमान चालीसा थे, मैंने वो ली हनुमान चालीसा, प्रणाम किया। तो उन्होंने बताया इसे आप रोज़ पढ़िए। मैंने कहा हाँ करके और मैं अपने फ्लोर पर उतर गई। मुझे तो कोई नहीं पता कौन था क्या था। मैं आई वहाँ पे हनुमान चालीसा तो पढ़ने लगी, आके प्रकाश कूदी लगाई। शाम को ये सब आ गए, मीनावीरा महाजन, अप्पा पिपा दादा अपने अप्पा साहब दाबुलकर और मीना बहनी, तीनों आए। फिर तीनों ने उसमें सर पर हाथ रख के, मीना बहनी ने भी कुछ बोला क्या हुआ सब, बोले कुछ फिक्र मत करना, अपना भगवान है वो उसे ठीक करेगा। आप देख मेरे, मैं बोल रही हूँ कि प्रकाश घर ही एड़ा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि 72 आवर्स। तो उसने इतनी हमी दी, मतलब इतने मन से कहा कि तू डरना नहीं, देख वो आएगा, वो घर पर आएगा। और वैसे ही 3 महीने के बाद कोमा से बाहर आए। तो फिर एक आँख यहाँ एक आँख वहाँ, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्या उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्चुअली उनको फीड भी क्या, वो लिक्विड देते थे नाक से ट्यूब डाल के, वैसे ही देते थे। बाकी कोई शरीर हिल नहीं रहा था, कुछ नहीं, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मालूम नहीं था। आस्ते 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 सब ठीक होने लगा। हनुमान चालीसा तो चालू ही थी, उनकी आँखें ठीक हो गई और लग रहा था कि उनके कुछ समझ में आ रहे हो, आँख से कुछ ऐसा बोलना चाहते थे तो लगता था कि उनको ठीक है। तो फिर डॉक्टर ने सब पूरा चेकअप वगैरह किया था लेकिन उनका ब्रेन एकदम इंटैक्ट था, उनको जो बोल रहे हैं वो सब समझ में आ रहा था लेकिन वो कुछ हलचल नहीं कर सकते थे। फिर फिजियोथेरेपी चालू हो गई, ये हो गई, लेकिन जिसने जो किया था उन पर ब्लैक मैजिक, उन्होंने फिर से ट्राई किया, फिर से ट्राई किया। मतलब डॉक्टर ने बोला था किसी को भी अंदर लेने का नहीं सिवाय मेरे भाई के, उल्लास यमहापणकर सिस्टर को बोला था, सिर्फ इनको और इनकी बहन, मतलब इनकी वाइफ, बस इनको ही लेने का है। तो उसने बहुत ट्राई किया आने के लिए, वापस आया। उस दिन बटा पूर्णिमा थी तो जैसा वो क्रिटिकल पीरियड निकल गया, वो होश में आए तो उसने फिर ट्राई किया, वो कुछ चीज़ लेके आए पता नहीं, वो अंदर आने लगा। तो डॉक्टर ने बताया कि, सिस्टर ने बताया कि नहीं नहीं आपने अंदर आने का, तो बताया क्या, नहीं नहीं मैं आता हूँ, ये क्यों खड़ा है? बोले डॉक्टर ने सिर्फ इनको बोला और किसी को अंदर नहीं लेने का है। क्या क्या बात है? तो मेरा भाई बाहर गया। बोले क्या है? बोले नहीं नहीं मैं भगवान का कुछ लाया हूँ तो उनके सर के नीचे रख देना। तो भाई बोले ठीक है दे दो। तो उसे दिया, ठीक से रखना, गिरना नहीं चाहिए। तो उसने ले लिया, भाई ने लिया और अपने किसे में रख दिया। फिर सिस्टर ने बोला ये क्या लिया तुमने, वो तो वही आदमी है ना, कैसे ये किया? तो फिर मतलब वो आदमी भी कैसे मालूम पड़ा जो उसने जो किया। एक बार बोलते बोलते बोल गया, वो देखने आया था उसका अंदर ले लिया, अरे कशी बोलती बंद के लिए। तभी मेरे दिमाग में ठक से आ गया कि यही है। और मैं मेरे बड़े बेटे को बताया कि काय तरी गड़बड़ा है, यानी हादसा है, यही है वो आदमी। जाके हम लोगों ने उसको पकड़ा, ऐसे उल्टा सीधा सवाल किया
उसको ऐसा डर गया वो ना, जो ऐसे बर्ताव किया मैं कभी करती नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया मुझसे, वो डर गया और उसने बताया कि मी केला, मी त्याच्यावर केला। म्हटलं काय केलंस तू? नाही मैंने ब्लॅक मॅजिक किया अंक। क्यों? नाही सगळं त्याला हवं होतं, ऑफिस घर ये वो जो भी प्रॉपर्टीज है वो सब उसको चाहिए था। तो मैंने उसे कहा ऐसे भी मांगते तो वो तुम्हें दे देता था, वो तुम्हें इतना प्यार करता था, तुमने ऐसे क्यों किया? आज दोनों मिलके, दो हाथ मिलके तुम दोनों और कुछ कर सकते थे ना, अपनी इतनी इतनी प्रॉपर्टीज़ है, इतना है सब, तब दोनों उसने तुझे साथ लिया, भाई बनाया, ऐसे क्यों किया तुमने? जो उसने फिर उस दिन से देखना भी बंद किया, उधर आना भी बंद किया, सब बंद किया। मैंने उसको बोला था अगर मैं तुझे देखूंगी वहाँ पे तो तू देख लेना मैं क्या करती हूँ। मेरे में पता नहीं कैसे भगवान ने हिम्मत दी थी, मैं कभी किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ। हो गया तो वो तो बंद हो गया, लेकिन आस्ते 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 इनकी आस्ते फिर फिजियोथेरेपी शुरू हो गई, ये हो गई, ये हो गई, सब हुआ भगवान की दया से। लेकिन बाद में मालूम पड़ा 96 में बापू का प्रकटीकरण हुआ, तो जब मैंने देखा उनको ये हुआ, उनके पास गए थे हम लोग, तो सोचा ये यही है इसकी वजह से। तो ये तो वो बाद में प्रकाश भी कोमा से बाहर आए, उनको सब समझने लगा था, ये वो फिजियोथेरेपी चालू थी, सब चालू था, लेकिन पौने दो साल हमने हॉस्पिटल में निकाले क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी उनको घर पे लाने की। लेकिन भगवान की दया से उनका ब्रेन इतना इंटैक्ट था। फिर बापू की तो जब ये घर पे आए, इन बिटवीन मैंने बापू मतलब समझने के लिए शीला ताई को बुलाया और मिस्टर मिसेस चौबर दोनों आए, और मैंने कहा कि इनको बताइए कि बापू के बारे में आप बताइए। तो फिर उन्होंने बताया उनको बापू के बारे में, इनको तो की थे बापू को मिलना है, बापू को मिलना है। तो मैं बोला हाँ हाँ मिलेंगे मिलेंगे। फिर एक बार हम दादर के बापू के डिस्पेंसरी में लेके गए, जब बापू दर्शन देते थे तो उनको भी लेके गए, बापू ने उनको भी दर्शन दिया, ये हुआ। फिर बापू की 50th की पूजा हो गई, तभी बोले मैं आऊँगा मैं आऊँगा। मैं बोला आप कैसे आएंगे? तो बोला नहीं मुझे आना है। मैं बोला चलो मैं परमिशन निकालती हूँ, तो दादा के पास पूछ लिया, दादा के पास फिर दादा ऐसी ऐसी बात है तो उनको भी आने का, आने दो ना अच्छी बात है ना, दादा ने कहा आने दो उनको। तो मैं बोला दादा यूरिन बैग है ये, अरे वो सब बापू सब नहीं मानते हैं, आप लेके आओ उनको। फिर जैसे पूजा का 6 बजे का टाइम दिया था पूजा का और 10 बजे नंबर आया, लेकिन उनको एक बार भी सक्शन नहीं आया क्योंकि उनका हाथ ऊपर था, तो बिल्कुल तकलीफ नहीं, एकदम आराम से थे। और फिर 10 बजे पूजा में हम लोग को ऊपर लेके आए, हम लोग आए और बापू ने अपने सामने उनको बिठा के पूजा करके ली उनसे, इतने खुश हुए। फिर वो बाद में दूसरे की पूजा थी, दूसरे करने वाले थे तो साइड में उनको बिठाया था, बापू अंदर गए थे, फिर बाहर आए तो बापू ने ऐसा उनको दबाया ना, इतना दबाया जोर जोर से, बहुत खुश हो गए उनको इतना, वही सोचते 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 रहते थे कि बापू ने मुझे छुआ, बापू ने मुझे इतना प्यार दिया, ये किया वो किया। फिर प्रवचन में फिर उनको आस्ते आस्ते बाहर निकालने लगे हम लोग, तो बोलते मैं प्रवचन में आऊँगा, मैंने चलो। तो फिर हम लोग उनको प्रवचन में लेके आते, लेकिन बापू ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, सब कुछ अच्छा रखा। हम लोग का बच्चों की शादी हो गई, उन्होंने शादियाँ देखी, पोते देखे, पोती देखी, लेकिन जब डॉक्टर ने बोला था कि 72 आवर्स, तो बापू ने 72 आवर्स के 18 साल उन्हें ज़िंदगी दी, 18 साल में क्या दिया बापू ने उन्हें, और बहुत खुश थे हमेशा। बापू को चलो देखना है, बापू गुरुक्षेत्र में पूजा करते थे, हर रोज़ आते थे। तो क्या हुआ, होली का दिन था 2012 में, 7 मार्च को होली थी, तो थोड़ी थोड़ी उनकी तबीयत ज़रा कुछ हो रहा था गड़बड़, तो खाना नहीं जाता था ठीक से, कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा था। तो मैंने कहा कि मैं हर टाइम जाती हूँ, मैं क्या करूँ, तो यू गो, तुम जाओ,
तो फिर मैं और मेरी ननद हम लोग दोनों गए, तो बापू होली ये करके आए थे, हम लोग को ऊपर ले लिया और लाइन में जैसे खड़े हो गए, तो जहाँ बाबा का फ़ोटो है बड़ा, तो वहाँ पे जब शुरू हो गया और पहला नंबर मेरा ही था, और बापू वहाँ से होली जला के आए और सबको हाथ कर रहे हैं, सबके पास देख रहे हैं और मेरे पास ही नहीं देख रहे हैं। अरे ये क्या बात है, बापू मेरे पास क्यों नहीं देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। तो जना मन में बहुत ख़राब लगा कि ऐसे क्या हुआ बापू ने, और बापू आए और मेरे आगे खड़े हो गए, मतलब एक वीत के अंतर पर जो उन्होंने मुझे स्पंदनी दी बापू ने। जब चालू हुआ ये हुआ, फिर अंदर गए हम सब नमस्कार करके बाहर, बाद में बापू आए वापस मेरे पास नहीं देख रहे, सबको देख रहे हाथ करके, बापू निकल गए। मेरे को बहुत ख़राब लगा, क्या हुआ, क्या बात है, मेरे से कुछ गलती हो गई शायद। एक दिन बीच में गया और 9 मार्च को इनका इंतकाम हो गया, लेकिन बापू ने उनको मतलब ऐसे थोड़ी सी तकलीफ हुई, हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, तो मैंने दादा को फ़ोन किया, तो दादा ने बोला हाँ देखो प्रयत्न करिए, अपन प्रयत्न करिए, और वहाँ ही उनका अंत हो गया। तो मतलब बापू को भी कितना भारी पड़ा होगा कि उस दिन मेरे को भी आशीर्वाद देने के लिए, तब मैंने सोचा अरे ये कल तो ये बात होने वाली थी, तो वो भी कितने बेचैन थे बापू कि कैसे आशीर्वाद दूँ उसको, किस तरह से आशीर्वाद दूँ, उन्होंने भी सोचा होगा। हम खाली सोचते हैं हम बापू ने बगीतला रहे, मैं कड़े बापू ने वाला हाथ नहीं खेला, बापू ने वाला आशीर्वाद नहीं, लेकिन वो सदगुरु जो अपना भगवान है, अपना सब कुछ है, वो जो देखते हैं उसको मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जो भी है, जो कुछ हुआ ठीक है, तो और बापू ने कभी किस बात की कमी पड़ने नहीं दी, उनको भी सुख से रखा जो भी हाल में थे, जो भी हुआ था, लेकिन बापू ने उनको 18 साल ज़िंदगी देके सब कुछ अच्छा बताया। यही बापू की बहुत आशीर्वाद है बापू के, कि जैसे 72 आवर्स डॉक्टर ने बोला था कि नहीं जिएंगे, और उसके बाद 18 साल क्या कम है, लेकिन गए, वो गए सुख से गए, मतलब कभी कुछ बुरा नहीं देखा उन्होंने, अच्छा ही देखा। और यही बापू की मेहरबानी है, बापू के आशीर्वाद है, और इससे हम आगे सफ़र कर रहे हैं। हरिओम, श्री राम अम्बटिया।